चलिए एक बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर से एक बड़ी खबर है, कामा डीएसपी विजय कुमार सिंह निलंबित हो गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने उनको निलंबित किया है। गंगापुर सिटी में सीएम के विजिट के दौरान लापरवाही बरतने का उन पर आरोप लगा है। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई जिसके कारण उनको निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान पीएचक्यू रहेगा उनका मुख्यालय। 4 सितंबर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं भरतपुर से, ये बड़ी खबर है, कामा डीएसपी विजय कुमार सिंह निलंबित हो गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने उनको निलंबित किया है। गंगापुर सिटी में सीएम गहलोत के विजिट के दौरान लापरवाही बरती गई। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भरतपुर से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये बताइए 4 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था कि डीएसपी विजय कुमार सिंह को निलंबित करना पड़ गया? देखिए अवनीश, बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 4 सितंबर को गंगापुर सिटी का दौरा था। गंगापुर सिटी में नया जिला बनाए, मुख्यमंत्री और राजीव गांधी ओलंपिक खेल थे उनके प्रतियोगिता के समापन समारोह में गए थे। वहां मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान, विजिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई, जिसे डीजीपी उमेश मिश्रा ने गंभीर लापरवाही मानते हुए जो विजय कुमार सिंह है जो कामा में टीएसपी के पद पर पदस्थापित है उनको सस्पेंड किया है और निलंबन काल में उनका मुख्यालय पीएचक्यू रहेगा। ये कामा में पदस्थापित है और इनको सुरक्षा व्यवस्था के चलते 4 सितंबर को इनकी ड्यूटी गंगापुर सिटी में लगाई गई थी सीएम विजिट के दौरान, जहां इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीएम की विजिट में जो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा था उसको अपनी पूरी तरीके से नहीं निभाया, लापरवाही बरती और इसी को देखते हुए इन्हें निलंबित किया गया है। जी तो ये बताइए देवेंद्र, गंगापुर सिटी में जब सीएम गहलोत वहां पर मौजूद थे तो डीएसपी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई क्या? क्या वहां पे सुरक्षा व्यवस्था में कैसे चूक हुई थी? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब वहां गंगापुर सिटी गए थे तो वहां पर जिस तरीके का गतिरोध देखने को मिला, जिस तरीके से अव्यवस्थाएं मिली, जिस तरह सीएम की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के दौरान जो उस प्रोटोकॉल को जिस तरीके से चैलेंज किया गया है कि प्रोटोकॉल की पालना नहीं की गई, इसी बात को गंभीर लापरवाही माना है। क्योंकि सीएम की सुरक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि सूबे के मुखिया की सुरक्षा में अगर सेंध लगती है तो एक गंभीर लापरवाही है और इसी को गंभीर मानते हुए डीजीपी उमेश मिश्रा ने जो विजय कुमार सिंह है जो कामा में डीएसपी उनको सस्पेंड किया है। जी चलिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि कामा डीएसपी विजय कुमार सिंह निलंबित हो गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने उनको निलंबित किया है। सीएम गंगापुर सिटी जब पहुंचे थे उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने का उन पर आरोप लगा है।